बस चलो शूज बचा लिए, बच्चों के तो गीले हो ही गए, लेकिन अब ये इतनी लंबी नदी पार करने के लिए तो हमें शूज गीले करने ही पड़ेंगे। मैं तैयार हूँ। जाना है हमें? नहीं मुझे नहीं जाना। चलते ना, अब भीग ही गए तो। काफी बड़ा रुक जाए, बहुत दूर है। आगे भी रास्ता नहीं दिख रहा ना हमें। गुड इवनिंग एवरी वन एंड वेलकम बैक टू ओटी एक्सपर्ट। देखिए, आज बहुत टाइम से हमारा प्लान बन रहा था फ्रेंड्स के साथ कुछ गेट टुगेदर करने के लिए, और आज एक बहुत ही ब्यूटीफुल जगह पर हम आए हैं, इसीलिए आपको हम विजिट करा रहे हैं। क्योंकि ये थोड़ा सा ऋषिकेश से दूर है, लगभग 25-26 किलोमीटर ये ऋषिकेश से आगे है, टूवर्ड्स आप जब आते हैं बंजी जंपिन, इसका लैंडमार्क मैं बता देती हूँ, जंपिन हाइट्स के नाम से एक लैंडमार्क है, और साथ में ये मोहन चट्टी गरुड़ चट्टी को क्रॉस करते हुए ये रास्ता यहाँ पर आते हैं। और अभी और डिटेल्स मैं आपको बताऊंगी तो लोकेशन आपको समझ में आ जाएगी, लेकिन उससे ज़्यादा समझने वाली बात यह है कि जब आप यहाँ पर पहुँच जाते हैं, क्योंकि जब हम भी आ रहे थे अभी लग रहा था कि बहुत लंबा रास्ता है, लेकिन जब हम यहाँ पर पहुँच गए हैं और हम देख रहे हैं, पहुँच कर हम वादियों के बीचों बीच खड़े हैं, तो बहुत ही मज़ा आ गया यहाँ पर ये देख कर। और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर, इनके पास रूम्स भी हैं, कॉटेजेस भी हैं, और कैंप, मतलब यहाँ पर कैंप साइट और रिजॉर्ट दोनों का फील आ रहा है। तो आइए देखते हैं, शुरू करते हैं हम रूम से, क्या इनके किस तरह के रूम्स हैं इनके, और उसके बाद हम आपको कॉटेजेस दिखाएंगे। तो शुरुआत कर रहे हैं हम डिलक्स रूम से। रूम्स के नेम इन्होंने यहाँ पर रखे हुए हैं योगा के से रिलेटेड, और ये न्याय रूम में हम जा रहे हैं। डिलक्स रूम्स हैं ये। बेडिंग देखिए 3 लोगों के लिए दी हुई है, तो ट्रिपल शेयरिंग पे आप इस रूम को ले सकते हैं। और एमिनिटीज़ की अगर हम बात करें तो बहुत बेसिक रूम मुझे लग रहा है, लेकिन बहुत नीट एंड क्लीन है। और यहाँ पर क्योंकि अभी ये सिर्फ ये रीओपनिंग हो रही है, इसलिए धीरे धीरे यहाँ पर अभी चीज़ों को एड ऑन किया जा रहा है। काफ़ी स्पेस है रूम में, और देखिए रूम के बाहर ये बालकनी स्पेस भी आपको मिल रहा है, जहाँ से बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू आपको मिलता है। इस तरह के इनके पास 19 रूम्स हैं, और देखिए जो मुझे सबसे अच्छी बात लगी कि यहाँ पर टेम्परेचर कम है, बावजूद इसके ये 19 रूम्स इनके सारे एसी रूम्स हैं। और देखिए जैसे ही हम रूम से बाहर आ रहे हैं, मुझे बहुत ही सुंदर ये आम का पेड़ दिख रहा है, जिसपे छोटे छोटे आम लगे हुए हैं। ये नेचुरल ब्यूटी जिन प्रॉपर्टीज़ में होती है, वहाँ पर रहने का मज़ा दुगना हो जाता है। कुछ एक्टिविटीज़ मुझे दिख रही हैं, लेकिन शायद अभी लॉकडाउन की वजह से ये इनको मेंटेन किया जाएगा। अब अनलॉक हो रहा है तो धीरे धीरे चीज़ें मेंटेन होंगी। और देखिए ये पूरा ब्लॉक डिलक्स रूम्स का ही है, मुझे देखने से ही इतना ब्यूटीफुल लग रहा है, क्योंकि जिस तरह से रूम्स के बाहर जो इन्होंने स्पेस दिया हुआ है, सिटिंग दी हुई है, अगर आप यहाँ पर बैठकर अपनी इवनिंग टी लेते हैं तो कितना अच्छा लगेगा आपको। देखिए बाहर इतना ग्रीनरी, इतना जो ग्रीनरी जो दिख रही है यहाँ पर, ये मुझे बहुत अच्छी लग रही है। सामने माउंटेन्स भी देखिए बिल्कुल ग्रीन है। और देखिए जो सबसे ब्यूटीफुल चीज़ है, जो हम लोग हमेशा ढूंढते हैं रिजॉर्ट्स में, कैंप साइट्स में, कि अगर साथ में पानी मिल जाए नदी का, तो वो भी यहाँ पर हमें मिल रहा है। और यही इसकी ब्यूटी है, क्योंकि देखिए आप देख सकते हैं इसमें यहाँ से नदी जा रही है, जो एक्सेसिबल है, आप नदी तक जा सकते हैं।
और देखिए हम आ गए हैं बिल्कुल नदी के पास, बहुत ही मतलब पानी का इतना पास है कि हम आवाज़ सुन सकते हैं, और यहाँ से बिल्कुल रास्ता है नीचे जाने के लिए, तो एक्सेसिबल है ये। यहीं से थोड़ा आगे जाकर एक बहुत ही ब्यूटीफुल, अभी हमने रास्ते में आते हुए मंदिर देखा था जहाँ हम कल मॉर्निंग में जाएंगे, अभी ऐसा प्लान किया है, देखते हैं कि कल जा पाते हैं या नहीं। जिसकी मैं तारीफ कर रही हूँ, अभी तक मैंने इसका नाम नहीं बताया है, निर्वाणा रिजॉर्ट इसका नाम है। काफ़ी बड़ी लैंड है जो इन्होंने, जिस पर ये पूरा इतना ब्यूटीफुल रिजॉर्ट बनाया है। लगभग 15 बीघा ज़मीन है ये, जिस पर इतनी ये जो कंस्ट्रक्शन इन्होंने की हुई है। इसमें बहुत ज़्यादा, क्योंकि 38 रूम्स के अलावा एक इन्होंने जो रेस्टोरेंट बनाया हुआ है वो भी उसी एरिया में है, और बाकी पूरा एरिया इन्होंने इसीलिए खुला दिया हुआ है क्योंकि फंक्शंस करने हो, या फिर एक रिजॉर्ट वाली फीलिंग तभी आती है जिसमें जब ज़्यादा एरिया ओपन होता है। और साथ में मतलब मुझे ये नदी और पहाड़ देखकर ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल हम स्वर्ग में आ गए हैं, क्योंकि शायद ऐसी जगह देखने को हम मतलब ढूंढ रहे थे कि इस तरह के हमें कैंप साइट्स या रिजॉर्ट्स मिले जहाँ पर पानी बह रहा हो, माउंटेन्स हो। और देखिए मुझे बर्ड्स की आवाज़ कंटिन्यू आ रही है, और बहुत ही खुले खुले यहाँ पर इन्होंने लॉन्स बनाए हुए हैं, मुझे बहुत आनंद आ रहा है। देखिए यहाँ खड़े होकर मुझे जो स्पेस दिख रहा है, इस तरफ भी लॉन है और इस तरफ भी लॉन है, अगर हम दोनों चीज़ें देखें तो इतना स्पेस है यहाँ पर। आप अगर कोई फंक्शन करना चाहते हैं तो बहुत ही ब्यूटीफुली आप यहाँ पर फंक्शन कर सकते हैं, क्योंकि इनके पास पार्किंग स्पेस है अबाउट 50 कार्स के लिए, यहाँ पर भी है, और नीचे काफ़ी बड़ा एरिया इन्होंने पार्किंग के लिए दिया हुआ है। अकोमोडेशन इनके पास, क्योंकि 38 रूम्स हैं तो उसके लिए भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और ओपन स्पेस बहुत ज़्यादा है। और सबसे अच्छी चीज़ जो इन्होंने हमें बताई कि इसमें आप खुद से सारी चीज़ें कर सकते हैं, अगर कोई आप प्रोग्राम करते हैं एंगेजमेंट का या कोई शादी का, तो इनको सिर्फ आप रेंट दे दीजिए, जो भी वो भी नॉमिनल रेंट है, आप नेगोशिएट कर सकते हैं, लेकिन सारे अरेंजमेंट्स आप खुद से कर सकते हैं। तो आप केटरिंग अपनी कर सकते हैं, आप अपना डेकोरेशन कर सकते हैं, जो ज़्यादातर मैंने कई, क्योंकि फंक्शंस में ऐसा देखा है, मेरे पास जो क्वेरीज आती हैं उसमें लोग चाहते हैं कि वो खुद से करें ये सारे काम, लेकिन इस तरह की प्रॉपर्टीज़ मिलती नहीं है। तो दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन अगर आप कोई फंक्शन करना चाहते हैं, क्योंकि जिस तरह से अभी गाइडलाइंस हैं कम लोगों के लिए, जो डेस्टिनेशन वेडिंग्स होती हैं उसके लिए ये जगह मुझे बहुत ही ज़्यादा अप्रोप्रिएट लग रही है। और देखिए अब मैं आपको दिखाने वाली हूँ यहाँ के कॉटेजेस, इंडिविजुअल कॉटेजेस बने हुए हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल है। इनफैक्ट मुझे कॉटेज के अंदर से ज़्यादा पार्ट से ज़्यादा मुझे बाहर का पार्ट ज़्यादा सुंदर लग रहा है, क्योंकि हर जगह मुझे ग्रीनरी दिख रही है। जैसे ही हम कॉटेज के बाहर आते हैं देखिए कितना सुंदर लॉन है, और बिल्कुल पहाड़ बिल्कुल बहुत पास में है ये। देखिए कॉटेज ये फुली एसी है, मैं जैसे ही अंदर आई हूँ ऑलरेडी एसी चल रहा था, तो मुझे बहुत एकदम से ठंडा फील हो रहा है। यहाँ पर 4 लोगों के लिए यहाँ पर बेडिंग दी हुई है, बहुत ही अच्छे तरीके से इन्होंने बेडिंग की हुई है। अभी टैरिफ की हमने बात नहीं की है, तो वो भी हम आपको बताएंगे। 4 लोगों के हिसाब से देखिए वॉशरूम काफ़ी स्पेशियस है, चाहे रूम्स हों या कॉटेजेस, काफ़ी जो स्पेस है वो काफ़ी है इनके पास, तो बहुत ही ज़्यादा मुझे कंजेस्टेड नहीं लग रहा है। और देखिए मिनी फ्रिज भी इन्होंने दिया हुआ है। और देखिए जो चीज़ हम ढूंढ रहे थे वो आखिरकार हमें मिल गई है, ये आ गए हैं हम स्विस कैंप्स में, जो बाहर से मुझे कॉटेजेस ही लग रहे थे, लेकिन अंदर आके ये फील मुझे कैंप वाला फील मिल रहा है। ये भी एयर कंडीशन लगा हुआ है यहाँ पर, तो देखिए गर्मी आपको नहीं लगेगी, चाहे आप किसी भी कॉटेज में रहें, डिलक्स रूम में रहें, या फिर ये स्विस कैंप में रहें, तो एयर कंडीशन यहाँ पर है। और ये यहाँ पर भी 3 लोगों के लिए बेडिंग दी हुई है इन्होंने।
वॉशरूम्स इनके काफी नीट एंड क्लीन हैं सारे ही रूम्स के और कॉटेजेस के। यहाँ पर अभी किसी भी कॉटेज में आपने देखा होगा टी कॉफी मेकर यहाँ हमें दिख नहीं रहे, लेकिन उन्होंने बताया है जब जैसे ही रूम्स लगते हैं तो ये वो प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पर जनरली इन कैंप्स में जो भी मील्स प्रोवाइड की जाती हैं वो मॉर्निंग टी से लेकर ब्रेकफास्ट, देन लंच, और उसके बाद बीच में इवनिंग टी और साथ में स्नैक्स होते हैं और उसके बाद डिनर। तो ये पूरा जो मील सेशन होता है, इन जो टैरिफ होता है वो, क्योंकि इसीलिए कैंप्स में आपको इंक्लूडिंग मील्स दिया जाता है। और यहाँ पर अब मैं आपको बताती हूँ टैरिफ, ध्यान से सुनिए प्लीज़, क्योंकि आप फिर कहते हैं मैडम आपने टैरिफ नहीं बताया है। यहाँ पर आप कोई भी रूम लें, कॉटेज लें, आपको पर पर्सन 2000 रुपीज़ का हमें इन्होंने टैरिफ बताया है इंक्लूडिंग ऑल मील्स। और अगर आप, ये डबल शेयरिंग पे है, अगर आप ट्रिपल शेयरिंग या क्वाड शेयरिंग पे लेते हैं तो आप नेगोशिएट कर सकते हैं, ये प्राइस कम हो जाता है। तो फ्रेंड्स देखिए स्नैक्स कितने अच्छे से हमने खा लिए हैं, चाय, पकोड़े, कोल्ड ड्रिंक, मज़ा आ गया है। और ये गेट टुगेदर की अभी शुरुआत है और इसके साथ ही देखिए बारिश आ गई है, आज भगवान ने हमारी सुन ली है, मौसम बहुत अच्छा हो गया है। तो ये आज हमारा जो स्टे है इसमें और चार चांद लगाने वाला है। तो देखते हैं अब यहाँ पर बच्चे किस तरह से बारिश को इन्जॉय करते हैं। क्यों बच्चों, कैसे इंजॉय करने वाले हो, नहाने वाले हो बारिश में? वेरी गुड। स्नैक्स खाने के बाद अब हम खाना भी खा रहे हैं और सच में खाना बहुत डिलीशियस है और इसीलिए मुझसे रहा नहीं गया, मैं एक रोटी फिर भी खा रही हूँ यहाँ पे, हालांकि मेरा पेट भर गया है बट क्योंकि बहुत डिलीशियस है इसलिए खा रही हूँ। गुड मॉर्निंग एवरीवन, आज सेकेंड डे है हमारा, कल आ गए थे हम, तो आज सुबह सुबह उठ के देखिए इतना अच्छा लग रहा है बालकनी में से, यहाँ पर पहाड़ और ये जो ग्रीनरी देखते हुए, नदी का पानी चल रहा है यहाँ पर, बहुत मज़ा आ रहा है ये सारी चीज़ें देख कर, और बहुत पीसफुल है ये जगह। बल्कि कल शाम को यहाँ पर लोगों ने पूछा भी इनको कि डीजे के लिए यहाँ पर वो चलाना चाहते थे, लेकिन अच्छी बात ये रही कि डीजे अलाउ नहीं है यहाँ पर, और ये होना भी चाहिए क्योंकि प्रकृति को, हम प्रकृति के इतने नज़दीक आकर अगर हम उसे ख़राब कर रहे हैं तो ये हमारी गलती है, तो हमें उसको बचा कर रखना चाहिए। तो नॉइस से ऑफकोर्स एनिमल्स को बड़ी प्रॉब्लम होती है और इतनी अच्छी अच्छी स्पीशीज़ हैं यहाँ पर, तो हमें उनको बचा के रखना है, अपने पास रखना है, अपने से दूर नहीं भगाना है। मच्छर, ये गाय बेचारी अकेली बंधी हुई है यहाँ पर, ज़रूर गाँव वालों की होगी है, लेकिन कोई घर दिख नहीं रहा है मुझे, इसको कंपनी चाहिए। और ये कितना अनोखा पेड़ है, अंदर से बिल्कुल खोखला हो चुका है, जला हुआ है, लेकिन फिर भी ऊपर से हरा है। हाँ। आओ बच्चों, कुछ नहीं है।
चल रहे चल रहे। ऐसी मॉर्निंग वॉक कभी नहीं देखी है विदित या। और दो जगह तो हमने अपने शूज बचा लिए, बच्चों के तो गीले हो ही गए, लेकिन अब ये इतनी लंबी नदी पार करने के लिए तो हमें शूज गीले करने ही पड़ेंगे। मैं तैयार हूँ, जाना है हमें? नहीं मुझे नहीं जाना। चलते ना, भीगी गए तो काफी विडर जा, बहुत दूर है, आगे भी रास्ता नहीं दिख रहा ना हमें, जाना ऐसे पड़ेगा अलोंग द रिवर जी। तेरी दोस्ती हो गई इससे? हां भाई, ये देखो हट जा सामने से। लीजा बच्चों की दोस्ती हो गई है इससे। लीसा, तुमने नाम भी रख दिया इसका? मैंने रखा है। वेरी गुड। दूसरे वाले का भी रख दिया मैं, जैक। हम घूमते फिरते हैं यहाँ, गोल गोल घूम रहे हैं, और जहाँ पे भी हम जाने की सोच रहे हैं वहाँ पे बीच में नदी आ रही है। नदी को क्रॉस करने के चक्कर में शूज तो हमारे गीले हो चुके हैं, लेकिन हमें कोई डेस्टिनेशन दिख नहीं रही है। सामने एक घर दिख रहा है लेकिन, और शायद यहीं पे ये विलेज ट्रैक भी कराते हैं, लेकिन अभी माहौल कुछ ऐसा बना हुआ है कि गाँव वाले थोड़ा सा डरते हैं कि कोई बाहर से अगर आ रहा है तो, इसलिए हम वहाँ तो नहीं जाएंगे। देखते हैं अब कहाँ तक पहुँच पाते हैं। तो फ्रेंड्स, मॉर्निंग वॉक के बाद हम वापस आकर अब हम लोग रेडी हो गए हैं, क्योंकि अब हमें निकलना है वापस ऋषिकेश के लिए। हमारा जो फीडबैक मैं आपको देना चाहूँगी इसमें, क्योंकि काफ़ी अच्छी लोकेशन है। देखिए, रूम से भी कितना अच्छा नज़ारा है, बाहर का माउंटेन्स दिख रहा है, इतनी नदी भी दिख रही है, ग्रीनरी बहुत अच्छी दिख रही है। तो सारी चीज़ें देखते हुए ये मुझे ऐसा लगा कि बहुत ही सुटेबल जगह है सोलो ट्रैवलर्स के लिए, फैमिलीज़ के लिए, फ्रेंड्स के लिए, और जहाँ तक कि हम बात करें अगर वर्क फ्रॉम होम के लिए, क्योंकि यहाँ पर सारे नेटवर्क्स अवेलेबल हैं और वाईफाई भी यहाँ पर अवेलेबल है। तो अगर आप लॉन्ग स्टे के लिए आते हैं, वर्क फ्रॉम हिमालयाज करना चाहते हैं, तो आई थिंक बहुत अच्छी जगह है ये, आप चूज़ कर सकते हैं। नेगोशिएशन आप कर सकते हैं, क्योंकि एक नाइट के टैरिफ में और अगर लॉन्ग स्टे करते हैं तो टैरिफ में फ़र्क आ ही जाता है, लेकिन जगह बहुत अच्छी है। फूड के बारे में अगर हम बात करें तो बहुत सिंपल फूड है लेकिन टेस्टी है, क्योंकि फ्रेश है। वेज नॉन वेज दोनों ऑप्शंस अवेलेबल हैं, लेकिन क्योंकि हम वेजिटेरियन हैं इसलिए हमने वेज ही खाया है, लेकिन जो लोग नॉन वेज खाने वाले हैं उनको डिनर में यहाँ पर एक नॉन वेज डिश मिलती है, तो वो भी आपके लिए ऑप्शन है। मुझे लगता है मैंने लगभग सारी चीज़ें बता दी हैं, लेकिन फिर भी अगर कुछ रह गया हो, आपकी कोई क्वेरी हो, तो आप मुझे ज़रूर कॉमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई कर दूँगी। तो जल्दी से ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। ब्रेकफास्ट में हमें सैंडविचेस, कर्ड, पराठा, पोहा, ये सारे ऑप्शंस हैं। इनफैक्ट यहाँ पे एग का ऑप्शन भी है, लेकिन हम नहीं खाएंगे क्योंकि आज ट्यूसडे है। जल्दी से ब्रेकफास्ट करो बेटा, और बताओ कैसा है ब्रेकफास्ट? टेस्टी है विद सैंडविच, टेस्टी है ना, पोहा भी टेस्टी है। तो फ्रेंड्स देखो, हम यहाँ से आपको दिखाते हैं, वो रिजॉर्ट दिख रहा है। हमने सुबह अपनी ट्रैकिंग वहीं से शुरू की थी इस मंदिर तक आने के लिए। यहाँ पे ध्यान से आप देखेंगे पेड़ों के पीछे मंदिर है, और इसका रास्ता नीचे से है, बहुत सारे स्टेप्स हैं, ये जाते हुए हमने देखा था, तो इसलिए मेरा बहुत मन था यहाँ जाने का, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। ये मंदिर बहुत हाइट पे है, और जिस तरह से पेड़ों के बिल्कुल बीचों बीच इसका रास्ता है, वो मुझे देखते ही बहुत सुंदर लग रहा है। तो लेकिन हम यहाँ पहुँच नहीं पाए क्योंकि बीच में बहुत बड़ी नदी थी, क्रॉस करते करते काफ़ी हमने कोशिश की, शूज़ व्यूज़ सब गीले कर लिए थे, लेकिन हम पहुँच नहीं पाए। और अभी जाना थोड़ा सा, क्योंकि टाइम की कमी है और इसके लिए रूट थोड़ा सा अलग है यहाँ से जाने के लिए, इसलिए हम जा नहीं पा रहे हैं। पर कभी अगर हम गए तो आपको ज़रूर शूट करके दिखाएंगे। यहाँ पर आगे ही रास्ते में अभी बंजी जंपिंग का पॉइंट है, मैं वो भी आपको दिखाना चाहूँगी, क्योंकि बहुत फेमस है एडवेंचर एक्टिविटी के लिए और लैंडमार्क भी है, देखते हैं उसको भी। तो देखिए, ये
हैं जंप इन हाइट्स का जो एंट्रेंस है यहीं से, यहाँ पर आपको एंट्री टिकट लेनी पड़ती है। इनके कोचेस भी खड़े हुए हैं, देखिए ये जो ऋषिकेश है आपको पिक करके लेकर आते हैं। और यहाँ से थोड़ा सा आगे जाकर इनका वो जंपिंग पॉइंट है जहाँ से आपको ये ट्रेनिंग देकर 20 मिनट्स की ट्रेनिंग होती है और वहाँ से आपको जंप लगाना होता है। बाकी यहाँ पर अदर एक्टिविटीज़ भी हैं, जाइंट स्विंग, फ्लाइंग फॉक्स लिखा भी हुआ है। कुछ टाइमिंग्स वगैरह वहाँ पे अभी मेंशन नहीं है क्योंकि क्लोज है सब कुछ, तो इसलिए अभी हम अंदर नहीं जा सकते हैं। बट हम कभी यहाँ पर आकर आपको एक्टिविटीज़ करके दिखाएंगे, तब और ज़्यादा आपको अच्छा लगेगा। तो फ्रेंड्स देखिए, हमने इतना अच्छा ऑप्शन आपको ये दिखाया है। आई विश कि आपको ये अच्छा लगे, और अगर अच्छा लगे तो आप इसको लाइक शेयर करें और इसी तरह कमेंट्स करते रहें, क्योंकि आपके कमेंट्स से हमको समझ में आता है कि आपको क्या चीज़ अच्छी लग रही है, क्या चीज़ अच्छी नहीं लग रही है। उसी के बेसिस पे हम और चीज़ें एक्सप्लोर करते हैं, आपको ऑप्शंस देते हैं। ये ऑप्शन अगर आपको अच्छा लगता है आप यहाँ पर बुक कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनके कॉन्टैक्ट डिटेल्स मैं दूंगी आपको, आप डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं, डायरेक्ट बुकिंग करा सकते हैं। और इसी तरह ट्रैवल करते रहिए ओटी एक्सपर्ट सपना के साथ। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर ले, अदरवाइज़ वो इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें मिस कर देंगे हमारे चैनल पर जो हम दिखाते हैं। जय माँ गंगे, हर हर गंगे।